अहिल्या, अहिल्या मत करो ऐसा, हमें माफ कर दो, मत करो अहिल्या। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। बस एक बात नहीं समझ आ रही है मुझे, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मिला? तुम्हें नहीं लगता इस जीवन से कुछ ज्यादा ही खो दिया है? पहले तुम्हारे पिता चले गए, उन्हें तो जाना ही था क्योंकि उनका मन तो तुमसे कई ज्यादा मैला था। उन्हें उनकी करनी की सजा मिली और अब तुम्हारी सासुबाई, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने उनका परिवार तोड़ दिया और उन्होंने तुमसे रिश्ता, सब कुछ तो छूट चुका है। यहां तक कि ये परिवार, ये राज्य, तुम्हारा जन्म स्थान, जिस धरती पर तुमने जन्म दिया, वो भी तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। और वो भी सिल्लक के साथ, और तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, जानवर भी जब अपनी जगह बैठते हैं ना, तब सूंघ कर बैठते हैं, देखते हैं कि जगह साफ है कि नहीं। लेकिन तुम्हारा तो मन ही दूषित है, मैला है तुम्हारा मन, और इसीलिए तुमने अपने ही घर में इतनी गंदगी फैलाई। इसलिए तुम जाओ गुनो जी, तुम जाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि घर होने का मूल्य क्या होता है, और घर ना हो तो हमारा मूल्य क्या होता है। जाओ, अब तो ये दुनिया पूरी तरह से खुली हुई है तुम्हारे लिए, लेकिन इस गद्दारी के मोहर को अपने माथे पर लगा के जाना। लेकिन फिर भी मेरे मन में यही सवाल है, ये सब किसके लिए? सिर्फ राजगद्दी हासिल करने के लिए बस यही लालसा थी? तुम जानते भी नहीं कि तुमने जो खोया है वो कितना कीमती था। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने इस जीवन से कितना कुछ खो दिया है, और ये सब एक राजगद्दी के चक्कर में। राजगद्दी तो सिर्फ एक की होती है, लेकिन परिवार तो हर एक व्यक्ति के पास होता है, और जिसके पास नहीं होता वो भी परिवार बनाने की कोशिश में होता है, कोई अपना हो ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश में होता है। लेकिन तुमने तो इस राजगद्दी के चक्कर में इतने सारे रिश्ते, ये परिवार और ये राज्य सब खो दिया तुमने, और फिर ये राजगद्दी भी तुम्हें नहीं मिली। अहिल्या, हम तुमसे भीख मांगते हैं, हमें माफ कर दो। अहिल्या, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें सुधर के दिखाएंगे, बस एक बार हमें माफ कर दो। तुम कभी भी सुधरने नहीं वाले। माफ कर दो। और अब बहुत देर हो चुकी है गुनो जी, ना तो समय वापस लौटेगा और ना मेरे छोटे सुबेदार जी वापस लौटेंगे। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मेरे छोटे सुबेदार जी, ये राज्य और ये इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि राजद्रोह की सजा क्या होती है, और मैं तुम्हें क्यों मौका दूं? इतने मौके देने के बाद भी तुमने क्या किया? सिर्फ हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं तुमने। तुम्हारी फितरत ही यही है गुनो जी, तुम डंक मारोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी गुनो जी, मैं बस तुम्हारे इस डंक को हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। छोटे सूबेदार ही नहीं रहे तो हम किसकी और उम्मीद से देखेंगे, और कौन सा योद्धा है जो उनकी जगह ले सके? देखिए, आपके पास विकल्प नहीं है, और आप ये महसूल लेने का संकल्प लेने चाह रहे हैं,
बस बस शमशेर सिंह, इसके आगे एक शब्द नहीं। सबसे पहले छोटे सूबेदार जी का नाम आदर और सम्मान के साथ लेना सीखिए। उन्होंने अपनी जान आप मालवा की जनता की सुरक्षा में न्योछावर की है। वो वहां पर युद्ध लड़ने गए थे, ना कि कोई मनोरंजन करने। और रही बात मालवा के योद्धाओं की, तो मालवा के दरबार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक योद्धा है। आज छोटे सूबेदार जी हमारे बीच में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मालवा के बाजुओं की ताकत खत्म हो गई है। आज भी ये बाजू सैकड़ों दुश्मनों से लोहा लेने की ताकत रखती है। ये मालवा का इतिहास था, वर्तमान है और भविष्य में भी यही रहेगा। एक योद्धा अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो दूसरे गंगों का काका है, ये तुकोजी है। आप लोगों को दरबार से जो सुविधाएं मिलती आई है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, उसमें भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सही कहा तुकोजी ने। रानो जी, शमशेर जी, आपको हम एक मौका और देते हैं, जल्द से जल्द राजकोष में महसूल जमा करा दीजिए, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बाबा साहेब, आप इस होलकर वाड़े के शान और जान दोनों आप हैं। अगर आप ही हिम्मत हारेंगे तो हम सब कैसे जिएंगे? बाबा साहेब, आपको खड़ा होना होगा। बाबा साहेब, हम सब के लिए थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है, तो फिर आप हम दोनों की बात नहीं मानेंगे, हम दोनों के हाथ से खाना नहीं खाएंगे ना? इन्हें देखकर तो जिया जा सकता है ना बाबा साहेब, पर अगर नहीं तो, ये किसके भरोसे जिएंगे?
दादा साहब, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन हमें भूख लगी ही, फिर हम क्या करेंगे? आप बोलिए ना सरकार, ने पोते पोती की बात को टालेंगे क्या? हाँ चल, अब खाना खाइए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.